वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड जो सरप्राइज़ था वो यही था कि मैं जापान जा रही हूँ आज। अभी आज 26 है एंड 26 को ही मेरी फ़्लाइट है 11 बजे। अभी रात के 9 बजने वाले हैं एंड मेरी बोर्डिंग, इमिग्रेशन, चेकिंग वगैरह सब हो गई है। सो अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ एंड उसके बाद अभी 9 बजे हैं एंड उसके बाद 11 बजे फ़्लाइट है, तब तक वेट करेंगे। सो मेरा ड्रीम जो था, मैंने एक साल पहले देखा था, वो पूरा होने वाला है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब आपको सारे जापान के व्लॉग देखने को मिलेंगे। जो जो जापान की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एंड जो स्टडी की वीडियोस हैं N4 की, GFT की, उस पर आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड जो हमने सोचा था वो पूरा हुआ, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं चैनल पे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सो अभी देखते हैं, कुछ खाएंगे एंड तब तक मैं वेट करूँगी फैमिली के साथ। अपनी अभी इंडिया से जापान तक की एंड उसके बाद मैं कैसे रहूँगी, सारी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना एंड ताकि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। एंड जो आपने अभी तक सपोर्ट कराया वो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड अपनी फ्लाइट में एंड ये मेरी फ़्लाइट खड़ी है यहाँ पे एंड फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है मेरी। नमस्ते, थैंक यू। जापान की धरती में पैर रख ही लिया एंड अभी बहुत ठंड है यहाँ पे एंड बहुत ठंड लग रही है, इतना कुछ पहना हुआ उसके बावजूद भी। सो अभी मेट्रो में जाएंगे। सो अभी मेट्रो का वेट कर रही हूँ एंड उससे पहले मैंने ये मेट्रो कार्ड ले लिया है, जैसे हम मेट्रो में ट्रैवल करेंगे जैसे इंडिया में होता है ऐसे ही है ये। एंड रात की फ़्लाइट थी तो फ़्लाइट में मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, आँखें मोटी मोटी हो रही है एंड बहुत थक गई हूँ मैं, मेरे को अब सोना है, मेरे को नींद आ रही है। एंड यहाँ पे आके एकदम ठंड होने से ना मेरे को थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लग रहा है कोल्ड भी हो गया। सो ये देखो बैग्स, दोनों बैग पैक हो गए हैं, रखे हुए हैं
एंड अब जैसे ही मेट्रो आएगी फिर मैं जल्दी से घर पहुँच के आपसे बात करती हूँ। सो व्हाट्स अप गाइस, ट्रैवल जापान में आने के बाद बहुत सारे काम थे वो निपटा लिए, लाइक मैंने अपना एड्रेस प्रूफ बनवा लिया यहाँ पे, एंड उसके अलावा मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। लाइक आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, तो मैंने आते ही अपने वो सारे काम करा लिए थे, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी एंड बहुत सारा सामान भी था। सो अभी मैं फ्रेश अप होके आई हूँ, अच्छे से नहा धो के आई हूँ एंड सच में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। सो अभी यहाँ पे हो रहे हैं रात के, अभी यहाँ पे 7 o'clock बजने वाले हैं एंड मैं आपको अपने जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ, अभी क्या है कि मैं 1 week तक शेयर हाउस में रहूँगी, उसके बाद मैं अपनी कंपनी के जो मेरा खुद का अपार्टमेंट होगा अलग से उसमें मैं रहूँगी। शेयर हाउस मीन्स यहाँ पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की कुछ गर्ल्स रहती हैं, क्योंकि जापान में अगर आप SSW वीज़ा के लिए आते हैं तो सभी को पता होगा कि एक पर्सन को या अगर आप 2 पर्सन साथ में आते हैं तो आपको साथ में रूम मिल जाता है, लेकिन अभी मैं अकेले आई हूँ तो मैं अलग से मेरे को एक रूम मतलब खुद एक पूरे एक फ्लैट का पे करना पड़ेगा जिसमें 1 room सेट होता है। सो वो हमें तभी मिलता है तब हम उनको, एक तो बैंक अकाउंट चाहिए होता है, एक आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। सो आज मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया है, अभी मैं टोक्यो में ही हूँ, जो मेरी फाइनल सिटी है वो फुनाबाशी है। तो तब 1 week बाद आई थिंक 3-4 दिन लगेंगे, 1 week तो नहीं बोलूँगी, उसके बाद मैं वहाँ पे शिफ्ट होंगी। और अभी तक जिस मैं शेयर हाउस में रह रही हूँ कुछ ऐसा है, लाइक ये बेड मेरा है गाइस, यहाँ पे मैं अभी अपने 2-4 दिन बिताऊँगी एंड उसके बाद लाइक जैसे यहाँ पे किसी और का है, ऐसे ऐसे करके बाहर का व्यू दिखाती हूँ टोक्यो का अभी आपको रिसेंट। ये मैंने सुना था कि मतलब जापान में कभी भी बारिश होती है और आज देख भी लिया, मतलब मैं दिन में मौसम ठीक था, ऐसा बारिश वाला नहीं था, सर्दी का मौसम था एंड अभी जैसे ही मैं बस लाइक फ्रेश अप होके बाहर गई तो देखा बारिश आ चुकी है, आके गायब भी हो गई। सभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सो ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है एंड बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, जापान में अभी 0 degree टेम्परेचर है एंड रात का जो टेम्परेचर है वो लाइक -2 तक जाता है, बट इट्स ओके। फ़्लाइट में ही ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद कुछ नहीं खाया है, पूरे दिन मैं काम में लगी रही। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी बनाने की तो हालत बिल्कुल भी नहीं बची है, बहुत ज़्यादा थक गई मेरे को कल फ़्लाइट में, आज सुबह सॉरी मेरे को आज पता क्या है कि पता ही नहीं चल रहा दिन, अभी कल रात थी उसके बाद दिन में रात थी, रात में 11 बजे फ़्लाइट थी एंड उसके कुछ ही देर बाद, क्योंकि जापान में जैसे ही फ़्लाइट जापान के पास पहुँच रही थी जापान में दिन हो गया था, तो ऐसे मतलब रात नहीं रही दिन हो गया एंड अभी यहाँ पे दिन का भी लाइक 10 o'clock हो गया था तब पहुँचते पहुँचते एंड उसके बाद काम करके अभी यहाँ पे फिर से नाइट हो गई। अब मैं जल्दी से कुछ खा रही थी, अब मैं खाने में कुछ बनाने की बिल्कुल भी नहीं सोच रही एंड मैं खाने में खाऊंगी, आपको दिखाती हूँ गाइस, ये गाजर का हलवा खाऊंगी, ये मेरी मम्मी ने तब मेरे को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आ रही थी तब पैक करा था, कि मैंने बोला था कि मम्मी तब जैसे मेरी बोर्डिंग होएगी उससे पहले मैं इसको खा लूँगी फ़्लाइट में जाने से पहले, लेकिन उस टाइम कुछ भी खाने का मन नहीं करा। सो ये अभी तक रखा हुआ है तो मैं इसको ही खाऊँगी। इससे आपको जापान के व्लॉग देखने को मिलेंगे, मैं कैसे एंड SSW वीज़ा वालों के लिए यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, या उसके बाद अलावा जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको सभी यूट्यूब पर शेयर करूँगी। अगर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच।